हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज एमसीबी देखने वाले हैं, एमसीबी का कनेक्शन देखने वाले हैं, और एमसीबी हम अपने घरों में कनेक्शन कैसे करें, एसी से कनेक्शन कैसे करें, डीसी से कनेक्शन कैसे करें, डिफरेंस जानने वाले हैं एसी एमसीबी और डीसी एमसीबी में। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, डिफरेंस एसी एमसीबी कैसा होता है और कैसा कनेक्शन किया जाता है, और डीसी एमसीबी कैसा होता है और कैसा कनेक्शन किया जाता है, और डीसी एमसीबी की जगह पे हम एसी एमसीबी यूज क्यों नहीं कर सकते, या फिर एसी एमसीबी की जगह हम डीसी एमसीबी यूज क्यों नहीं कर सकते, और ये एमसीबी है क्या, इन सारे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे पॉइंट भी दिख रहा होगा कि किन किन पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि हम डीसी एमसीबी को एसी एमसीबी में कनेक्ट करते हैं या एसी को डीसी में कनेक्ट करते हैं तो रिएक्शन क्या आता है, ठीक है, हम उल्टा कनेक्ट करते हैं तो रिएक्शन क्या आता है। और मैं बता दूं, एमसीबी में 90% जो दुकानदार होता है, जो या बेचने वाला होता है, या जो हम लोग घर में लगाते हैं लोड पे, ठीक है, इन कंडीशन में हम डीसी के जगह पे एसी एमसीबी लगा देते हैं। 90% ये लोग करते हैं कि डीसी एमसीबी की जगह एसी एमसीबी लगा देता है। डीसी एमसीबी कहाँ जरूरत पड़ता है, जैसे कि सोलर कनेक्शन में, हम अभी सोलर कनेक्शन करें तो, और या बैटरी से कनेक्शन करें, उस कंडीशन में हमें डीसी एमसीबी लगाना होता है, एसी एमसीबी नहीं लगाना होता है। अगर हम बाय द वे एसी एमसीबी के जगह डीसी एमसी लगा दे तो फॉल्ट कुछ और आएगा, एमसीबी एमसीबी रहेगा ही नहीं, तब वो जस्ट लाइक स्विच का काम करेगा, ठीक है। तो इन सब पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन डीसी एमसीबी और एसी एमसीबी, एडवांटेज ऑफ एसी एमसीबी और डीसी एमसीबी, ठीक है, और डिसएडवांटेज भी। तो स्टार्ट करते हैं, आपको छोटे एमसीबी से, सिंगल कोर एमसीबी से, डबल कोर, ट्रिपल कोर, चार कोर वाला दिखेगा ये एमसीबी, मैं नजदीक से आपको दिखा दूंगा सारा एमसीबी। तो बात करते हैं सिंगल कोर वाला, जो सिंगल कोर वाला एमसीबी है ये 6 एम्पेयर, मिनिमम 6 एम्पेयर का आता है, ठीक है। तो इस एमसीबी का हम लोग यूज कहां कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे बात करते हैं कि हम 6 एम्पेयर का यूज घर पे जो जितने भी लोड होते हैं उस लोड पे हम लोग लगाना होता है 6 एम्पेयर। सपोज दैट आपके पास 3 एम्पेयर का लोड है या 4 एम्पेयर का लोड है, तो आप कितने एम्पेयर तक का एमसीबी लगा सकते हो। तो अगर आपका घर का लोड 3 एम्पेयर या 4 एम्पेयर तक, हाईएस्ट 4 एम्पेयर तक का लोड है, तब आप 6 एम्पेयर तक का एमसीबी में हम लगा सकते हैं। समझते हैं कि इस एमसीबी में हम किधर से इनपुट देते हैं और किधर से आउटपुट देते हैं। तो आपको मैं नजदीक से फिगर दिखाऊं, तो आपको डिस्प्ले में नजदीक से फिगर दिख रहा होगा अभी, जो एक साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ, इसमें क्रॉस का सिंबल बना हुआ, एक साइड क्रॉस बना हुआ है, और दूसरे साइड बीच में एक स्विच दिया हुआ है, ऐसा सिंबल बना हुआ है स्विच का, और तीसरे साइड ओपन है। जिधर से क्रॉस बना है उधर से हम आउटपुट लेते हैं, जिस साइड आपको क्रॉस दिख रहा है उस साइड आउटपुट लेते हैं, और जिधर से क्रॉस नहीं दिख रहा उधर से हम इनपुट डालते हैं। मतलब मेन से अगर वायर ला रहे हैं तो हम इनपुट किधर देंगे, जिधर से क्रॉस नहीं है, और जिधर से क्रॉस है वो हम आउटपुट घरों में डालेंगे, क्लियर। ये रहा आपका कनेक्शन कि किधर से हम इनपुट करें, किधर से आउटपुट करें, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज का। एडवांटेज इसका बहुत सारा है, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट बहुत सारे तरीके से हो सकता है, शॉर्ट सर्किट जैसे कि फेज और न्यूट्रल आपस में सट जाए तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या हो सकता है कि फेज कहीं अर्थ से कनेक्शन हो जाए तो उसे शॉर्ट सर्किट हो, या बॉडी से टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो, किसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या वायर फॉल्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। पहला ये एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किधर का, हाई वोल्टेज मेन के साइड का, मेन में अगर हाई वोल्टेज आ रहा है उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप करेगा। दूसरा, तीसरा एडवांटेज है ये स्विच का काम करेगा, हम इससे स्विच का भी काम ले सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, स्विच से ज्यादा कॉस्टली है, ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर ये मैनुअली ऑपरेट होता है, आप इसे मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, अगर आप एक बार कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो ट्रिप कर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में आपको मैनुअली इसे उठाना होगा, ऊपर करना होगा इसको, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है कि आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। ये बस दो छोटा सा डिसएडवांटेज है। और मैं बता दूं कि ये जो एमसीबी है ये फ्यूज का जगह ले लिया है, पहले हम लोग यूज करते थे फ्यूज, अब फ्यूज का जगह ले लिया है क्या, ये एमसीबी, क्लियर। हमने देखा डिसएडवांटेज, अब बात करते हैं कि हम डीसी एमसीबी का यूज एसी की जगह पे क्यों नहीं, और एसी का यूज डीसी की जगह पे क्यों नहीं कर सकते।
अगर आप डीसी एमसीबी की जगह पे एसी एमसीबी लगा रहे हो तो आप जो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट पर ये ट्रिप नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगा कि ट्रिप क्यों नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी प्रैक्टिकली कि ये ट्रिप क्यों नहीं करता। अगर एसी एमसीबी है उसे हम डीसी की जगह पे लगा दे तो ट्रिप क्यों नहीं करता, ठीक है। अब हम दूसरा चीज देख लेते हैं नेक्स्ट, कि हम कैसे पता करें कि एसी एमसीबी या फिर डीसी एमसीबी, दो एमसीबी हमारे पास, एक डीसी का एक एसी का, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो इस दोनों डिस्प्ले में, दोनों एमसीबी में सिर्फ एक ही फर्क दिखेगा और वो फर्क होगा सिंबल का। डीसी एमसीबी में डीसी का सिंबल दिखेगा और एसी एमसीबी में एसी का सिंबल दिखेगा। यहां पे आपको सिंबल दिख रहा होगा, आपको डिस्प्ले में जो सिंबल दिख रहा है डीसी का, वो डीसी का सिंबल है, इसका मतलब वो डीसी एमसीबी। और एसी का साइन वेव दिखेगा आपको अभी डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है कि एमसीबी एसी एमसीबी है। और एसी एमसीबी में खासकर हमें ध्यान देना होता है कि न्यूट्रल और फेस, अगर आप जिधर से इनपुट न्यूट्रल डालोगे आउटपुट उधर से न्यूट्रल वायर ही होना चाहिए। अगर आप रेड वायर डाल रहे हो नीचे से, आप लेफ्ट साइड अपने राइट साइड में रेड वायर डाल रहे हो तो आप अपना राइट साइड में ऊपर के साइड में रेड ही वायर डालोगे, ब्लैक नहीं डालना गलती से भी, क्योंकि नहीं तो शॉर्ट कट जाएगा, वह कनेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो हमें ये कनेक्शन नहीं करना होता है, ठीक है। अब हम आपको कनेक्शन दिखाते हैं कि हम इसका उल्टा कनेक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड हमने कनेक्शन पूरा कर लिया है, ये डीसी एमसीबी का कनेक्शन पूरा कर लिया और एसी एमसीबी का कनेक्शन पूरा कर लिया। अब मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूं, जैसे एसी एमसीबी का जो दो वायर आया हुआ है, एक का रेड एंड ब्लैक, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूं मैं, ये रहा। और इसका दो वायर आउटपुट जो लोड पे जाएगा, ये लोड मैं आउटपुट दे रखा हूं, ठीक है। इसका भी दिखाऊंगा मैं क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो डीसी एमसीबी, इसका भी मैंने दो वायर, ये वाला, ये दो वायर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये रहा, ठीक है। और इसका भी दो वायर मैंने बाहर निकाल दिया लोड पे डालने के लिए, जो ब्लैक एंड रेड है, ठीक है। तो हम दोनों को पहले ऑन करते हैं, ये ऑन है, ये भी ऑन, ये ऑन है, ये भी ऑन है, दोनों ऑन ऑन मोड पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे शॉर्ट करके, अगर ऑन कंडीशन में अगर ये शॉर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखा आपने, जैसे ही हम इसे इसमें टच करते हैं तो ये स्पार्क मारता है, देखना फिर से, देखा आपने, ये स्पार्क मारा और ये ट्रिप किया। एसी में ट्रिप तो किया बट ये स्पार्क मारा। अब हम डीसी में करके देखते हैं कि डीसी में क्या होता है। हमने ऑन कर दिया, देखो बिल्कुल भी स्पार्क नहीं मारा और ट्रिप कर गया यहां नीचे। अब फिर से गौर करना, डीसी एमसीबी को ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां दो वायर मैंने शॉर्ट करूंगा, देखो कुछ भी स्पार्क नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, एक भी स्पार्क बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये ट्रिप कर गया। ये डिफरेंस देखा हमने कि डीसी एमसीबी को लगाया तो स्पार्क नहीं किया और एसी एमसीबी को लगाया तो स्पार्क किया, ठीक है। ये तो एमसीबी के बाद मतलब लोड में जो होगा। अब इससे पहले जो बैटरी में, बैटरी में अगर वो शॉर्ट करे तो क्या कंडीशन आता है, मैं बैटरी में शॉर्ट करके देखता हूं। जैसे इसे भी ऑन कर दिया और इसे भी ऑन कर दिया, ठीक है, दोनों कंडीशन पे हमने ऑन कर दिया। अब हम बैटरी को शॉर्ट करते हैं, बैटरी को शॉर्ट करने के बाद देखते हैं कि दोनों एमसीबी ट्रिप करता है या नहीं करता है। देखा हमने शॉर्ट किया बैटरी को बट दोनों में से एक भी एमसीबी ट्रिप नहीं कर पाया, मतलब एमसीबी से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो ट्रिप नहीं करता। तो आप देख लो कि ये जैसे डीसी एमसीबी है, ये एरो देख रहे हो ऊपर ऊपर नीचे, नीचे से भी लगा सकते हैं, मतलब इनपुट जो है हम ऊपर से भी दे सकते हैं इस एरो के वजह से। इसमें दिखा रहा है साफ साफ कि एरो, ये जो एरो है ऊपर से भी हम इनपुट दे सकते हैं और नीचे से भी इनपुट दे सकते हैं। सोलर का, जो सोलर का कनेक्शन होगा, ये जो लगा रहा हूँ मैं ब्लैक वाला, ये सोलर से आया हुआ है, ठीक है। और ऊपर से हमने इसमें इनपुट दिया, और यही चीज़ हम एसी में नहीं कर सकते हैं। अगर एसी में हमें जो इनपुट देना होता है तो नीचे से ही देना होता है, आउटपुट ऊपर से देना होता है। पर डीसी में दोनों तरफ से इनपुट हो सकता है, क्योंकि सोलर से भी इनपुट लेते हैं और बैटरी से भी जा सकता है, तो दोनों साइड से हम इसे लगा सकते हैं। क्योंकि सोलर इसलिए लगा सकते हैं डीसी में, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में ये फ्लो करता है डीसी, बट एसी क्या है डबल डायरेक्शन में। ये जो रेड देख रहे हो ना, ये वाला, ये रेड के नीचे ही हमें रेड लगाना होगा, ब्लैक नहीं लगा सकते हम,
ताकि कनेक्शन एक जैसा बना रहे। अगर आप ब्लैक लगा दो तो उल्टा हो जाएगा। हमें डीसी में ये खासकर ध्यान देना होता है कि रेड की जगह पे रेड, ब्लैक की जगह पे ब्लैक। एसी में अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो इस वजह से हम डीसी एमसी भी नहीं लगा सकते वहाँ पे, क्योंकि एक ही वायर में, एक ही डायरेक्शन वायर में इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होता है और करंट भी फ्लो होता है। पर डीसी में ऐसा नहीं है, डीसी में डायरेक्शन सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन रहेगा और करंट का अलग डायरेक्शन रहेगा। एक वायर से करंट जाएगा, एक वायर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस वजह से हम इसको लगा सकते हैं। अभी जो नेट खुला हुआ देख रहे हो ना, इससे हमें कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी करंट आ सकता है। अगर मान लो हाई वोल्ट रहा तो इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे, ताकि जो नेट है, जो खुला हुआ चीज़ हमें नहीं, कोई टच में नहीं आएगा, किसी के टच में नहीं आ सकता। हमने इसे लगा दिया पेंच के जरिए। अब इसका कनेक्शन हम, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जो चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट करके रखा है वो कनेक्शन दिखाऊंगा। तो ये मेन एडवांटेज है, डीसी का यूज हमें करना है डीसी में ही। ये डिफरेंस देखा कि हमें डीसी का डीसी में कर सकते हैं, क्योंकि डबल डायरेक्शन है इसका, और एसी एमसी भी है यहाँ पे, हम यूज़ नहीं कर सकते इस सोलर पे, ठीक है। तो ये आपने समझ गया। तो अभी हम देख लेते हैं इसका कनेक्शन, जैसे कि ये एमसीबी है, इसका कनेक्शन हमने दिया है चार्ज कंट्रोलर में, ठीक है। ये वायर गया, देखो ये वायर जो गया, ये चार्ज कंट्रोलर में गया। अब भी देखो कि यहाँ पे बैटरी चार्ज नहीं है, ब्लिंक कर रहा है रेड वाला, मतलब ये दिखा रहा है कि लो बैटरी है। अब हम एमसीबी को ऑन करते हैं, एमसीबी जैसे ऑन करेंगे देखना अभी वहाँ पे चार्जिंग सिंबल दिखाएगा। देखो अब भी देखो, ये दिखा रहा है कि चार्जर है, सन भी दिखा रहा है कि लाइट पैनल काम कर रहा है और चार्जिंग भी हो रहा है, ठीक है। ये एमसीबी सही था, कनेक्शन पूरा हो गया इसका। आपने देखा कि हम एसी का जगह जगह पे हम डीसी लगाते तो ये काम नहीं करता, क्योंकि डीसी सिंगल डायरेक्शन में, ये देख लो। तो फ्रेंड हमने देखा कनेक्शन करके, और कनेक्शन में हमने ये देखा दोनों डीसी एमसीबी और एसी एमसीबी में, दोनों में शॉर्ट किया लोड पे डालने के बाद, दोनों में हमने शॉर्ट करके देखा कि दोनों में शॉर्ट किया, तो ये पता चला हमें कि जो डीसी एमसीबी है वहाँ पे बिल्कुल भी स्पार्क नहीं हो रहा था शॉर्ट होने पे, बट एसी में शॉर्ट हो रहा था। और वो शॉर्ट होने के बाद दोनों ट्रिप किया, बट एसी एमसीबी जो ट्रिप किया, ट्रिप तो करेगा ही, क्योंकि जो बैटरी है वो 40 एम्पेयर है। इतने हाई एम्पेयर पे आने के बाद तो कोई भी एमसीबी ट्रिप करेगा, चाहे आप बड़ा एमसीबी लगा दो तो वो भी ट्रिप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप, हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आप एसी एमसीबी को अगर डीसी एमसीबी का यूज कर लोगे तो वो ट्रिप करेगा, बट जब तक मैं ट्रिप करेगा तब तक मैं आपका जो इक्विपमेंट जा चुका होगा वो खराब हो चुका होगा। इसीलिए हम डीसी का यूज एसी में नहीं और एसी एमसीबी का डीसी एमसीबी में यूज नहीं करते। और मैंने एक और चीज दिखाया कि एमसीबी के पहले अगर हमें शॉर्ट करते हैं बैटरी में तो एमसीबी ट्रिप नहीं करता। ये केस डीसी का बात है, ये डीसी में क्या, अगर आप सोलर पैनल लगाते हो और घर का लोड लगाते हो, इनके बीच में आप लगाते हो एमसीबी, ताकि सोलर पैनल और लोड के बीच में आप एमसीबी लगाते हो, तो आप जरा बताना मुझे कि एमसीबी ट्रिप करेगा कहां पे फॉल्ट होने के पे, सोलर पे फॉल्ट होने पे ट्रिप करेगा या घर के लोड में फॉल्ट होने पे ट्रिप करेगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि घर के लोड पे फॉल्ट होने पे ट्रिप करेगा। तो क्या अगर सोलर पैनल में अगर शॉर्ट कर जाए या फिर अर्थिंग लाइटनिंग आके सोलर पैनल पे गिर जाए, तो क्या वो लाइटनिंग घर घर तक नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, तब ट्रिप आपका एमसीबी नहीं करेगा। एमसीबी कब ट्रिप कर रहा है? जब घर के लोड पे फॉल्ट हो, ना कि पैनल पे फॉल्ट हो। तो हमें इस साइड से भी सेफ्टी देना है और इस साइड से भी सेफ्टी देना है। तो आप कैसे दोगे? मतलब अगर घर के लोड पे भी फॉल्ट हो तो भी एमसीबी ट्रिप करे, और पैनल पे फॉल्ट हो तब भी एमसीबी ट्रिप करे। इसका कनेक्शन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कनेक्शन हम इसका कैसे करें कि दोनों साइड से फॉल्ट होने पर वो एमसीबी ट्रिप करेगा। अगले वीडियो में आपको मैं ये सारा कनेक्शन दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है, मैं जो ये जो बताऊंगा मैं कि दोनों साइड से ट्रिप करे कैसे करे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लोगे तभी नेक्स्ट वीडियो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच पाएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, घंटी बजा लो, और कमेंट में मुझे रिप्लाई दो कि आपके घरों में लोड कितना है, फिर बताऊंगा मैं कि आपको कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना है, ठीक है। जो एमसीबी लगते हैं 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 32 एम्पेयर और 64 एम्पेयर, तो इतने एम्पेयर का जो एमसीबी होते हैं, आपके घर में कितने का लोड है और कितने का एमसीबी लगाना है, ये मैं बताऊंगा। तो आप कमेंट में रिप्लाई दो मुझे कि घर का, आपके घर का लोड कितना है, फिर मैं नंबर ऑफ एमसीबी कितने
एम्पियर का एमसीवी लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो आपने देखा कि डिफरेंस बिटवीन सोलर एसी एमसीवी और डीसी एमसीवी और एमसीवी कैसे काम करता है और एमसीवी का कनेक्शन कैसे करें, ये मैं ये भी बताया मैं आपको कि कनेक्शन कैसे करें, किस साइड से इनपुट दे किधर से आउटपुट दे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम सोलर में कैसे से कनेक्शन करें कि दोनों साइड से ट्रिप कर जाए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए